मैं आपका श्राप स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ। अब तुम श्राप के नहीं वरदान के पात्र बन चुके हो शनि। मांगो जो भी तुम्हें चाहिए, तुम वरदान स्वरूप मुझसे मांग सकते हो। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य दे दीजिए। किस उद्देश्य की बात कर रहे हो तुम शनि? जिसके लिए सभी जन्म लेते हैं, जो अमर है, अजर है, उस परमात्मा का स्वरूप है। मुझे वही परमात्मा अर्थात मुझे परब्रह्म के साक्षात दर्शन करा दीजिए। मैं ये वरदान तुम्हें देने में अक्षम हूँ। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है शनि कि मैं तुम्हें परम ब्रह्म के दर्शन करा सकूं, परंतु मैं तुम्हें उनके दर्शन का मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। बताइए गुरुदेव, मैं उसी मार्ग का अनुसरण करूंगा। मुझे शीघ्र बताइए। तुम महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी चले जाओ शनि, और वहां जाकर तप करो शनि। ऐसी मान्यता है कि वहां की गई प्रार्थना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। हे परम पावन पवित्र नगरी काशी, मैंने सुना है यहां जो भी आता है उसे हर भय बाधा, हर पाप, हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है, जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। मेरी भी आपसे विनती है, मुझे अपनी इस पवित्र धरती पर स्थान दो ताकि मैं तप कर सकूं। लगता है सूर्य पुत्र का तप अपने चरम पर पहुंच चुका है, तभी तो ऐसी दिव्य आभा चारों ओर फैल रही है जिसके प्रभाव से सदा से बंजर भूमि भी हरियाली से लहलहाने लगी है।